हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अनिमा पाल। तो आज हम बात करते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। भावना मतलब इमोशंस। इमोशंस कहाँ से आते हैं? हमारे अपने विचार से आते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी भावनाएं बन जाती हैं, जैसा हम देखते हैं वैसी हमारी भावनाएं बन जाती हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसने जिस भावना से देखा, जिसने जो भावना अपने अंदर रखी, उसको सामने में वैसा ही दिखता। दोस्तों, एक बार की बात बताती हूँ। एक औरत होती है और वो रोज़ मंदिर जाती है, खूब पूजा पाठ करती है, अपना ध्यान लगाती है, सब कुछ करती है। बट एक दिन अचानक वो पुजारी जी से कहती है कि अब मैं मंदिर नहीं आया करूँगी, कभी भी नहीं आऊँगी मंदिर। तो पुजारी जी पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, तुम क्यों नहीं मंदिर आओगी? तो वो बोलती है कि जिधर भी देखो सब लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, अपने व्यापार की ही बातें करते हैं, या लोगों ने तो जगह ही बना रखी है मंदिर में सिर्फ बात करने के लिए, या फिर कुछ लोग तो दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं। तो दोस्तों, पुजारी जी कुछ देर के लिए शांत रहे, एकदम चुप, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम मंदिर ना आने से पहले मेरी एक बात मानोगे क्या? मैं आखिरी बार तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, और तुम उसको मानोगे क्या? तो महिला बोलती है कि ठीक है, मैं मानूंगी उस बात को। दोस्तों, पुजारी जी बोलते हैं कि एक ग्लास पानी भर लो और पूरे मंदिर के दो फेरे लगा लो। ठीक है, वो महिला वैसा ही करती है, लेकिन उसमें एक शर्त है पुजारी जी की। शर्त ये है कि पानी का एक भी बूंद ग्लास से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, वो वैसा ही करती है। वो एक गिलास पानी भरती है और पूरा दो राउंड लगाती है मंदिर का, और पूरा ध्यान उसका ग्लास की नज़र, ग्लास में जो पानी होता है उस पर होता है, और एक भी बूंद उसको बाहर नहीं निकलने देती है, एक भी बूंद उसका बाहर नहीं गिरता है। उसके बाद वो सही सलामत पानी को लेकर के पुजारी जी के सामने आ जाती है। तो पुजारी जी बोलते हैं कि मैं अब आपसे तीन क्वेश्चन पूछूंगा, तीन प्रश्न पूछूंगा, और उनका सही सही जवाब देना। बोलती है ठीक है। पुजारी जी पूछते हैं, क्या आपने मंदिर में किसी को फ़ोन पे बात करते हुए देखा? बोलती है नहीं। दूसरा क्वेश्चन, आपने मंदिर में किसी को पाखंड करते हुए देखा? बोलती है नहीं। तीसरा क्वेश्चन, क्या मंदिर में आपने किसी को गपशप करते हुए देखा है? बोलती है नहीं। पुजारी जी बोलते हैं, क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके ग्लास पे था, आपके पानी पे था, कि ताकि आपका पानी ना गिर जाए कहीं बाहर, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो मतलब ये है कि आप जो देखना चाहते हो वही देखो। अब अगली बार से जब भी मंदिर में आना, तो सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना और पूजा में लगाना। फिर आपको सब जगह सिर्फ भगवान ही भगवान दिखेंगे, सब जगह सिर्फ उन्हीं का रूप और उन्हीं की माया ही दिखेगी। तो कहने का मतलब, आप जो देखना चाहोगे वही आपको दिखेगा। फर्क सिर्फ आपकी सोच और आपकी भावनाओं का होता है, बाद बाकी सीढ़ियाँ तो वही होती हैं, ऊपर जाती हैं, किसी के लिए नीचे आती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।